बच्चों सभी को नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11वें का कार्बनिक रसायन का चैप्टर, जो बिल्कुल नींव है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस चैप्टर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो जड़ बनती है ना, जो पहले जो नींव भरती है, तो वो नींव का काम आपका ये चैप्टर करेगा। इसके ऊपर जो आपके जितने भी कठिन कठिन टॉपिक आएंगे, आप उसको भली भांति समझ पाओगे। अपनी आप नींव को मजबूत करोगे तो आगे का मकान आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बात करेंगे कार्बनिक रसायन, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी बातों को समझेंगे, उन छोटी छोटी बातों के सारे हम आगे से आगे बिल्कुल हायर लेवल तक लेके जाएंगे। जैसे भी आपको समझना है आप अच्छे से समझो। सिर्फ एक काम आपको मेरे हिसाब से करना है कि जब भी आप लेक्चर देखो तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेनी है, कान में अपने ईयरफोन डालना है और इसके बाद आपको लेक्चर देखना है। ऐसे आप मूवी की तरह देखोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। पढ़ाई को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अगर ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन का मजा लेना है तो ऑफलाइन की तरह आपको पढ़ना भी होगा। आपको शांतिपूर्वक बैठना होगा, ऐसी जगह जहां पर आपको कहीं डिस्टर्बेंस ना हो वहां पर आप बैठो और आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलो, कार्बनिक रसायन। तो पहली बात तो किसको बोलेंगे हम कार्बनिक रसायन? तो देखो, कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। तो पहली बात तो हम क्या कहेंगे कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन, इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बन रहे हों, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। और कार्बनिक यौगिक को भी उसी को कहेंगे, जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्वों का समावेश हो उन्हीं यौगिकों को हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या CO2 कार्बनिक यौगिक है, क्या CO2 कार्बनिक यौगिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है, कार्बन। जबकि मैंने क्या बोला, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व हो तभी वो क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो ये कैसा यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बनिक यौगिक कौन है, CH4। तो देख लो, इसमें कार्बन भी आ गया और हाइड्रोजन भी आ गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों यौगिक आ जाए, ऐसे तत्व को हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। समझ गए बात को? तो कार्बनिक यौगिक की जहां बात आ गई, जहां कार्बनिक यौगिक का हमने नाम ले लिया, वहां पहला नाम किसका निकल के आता है, कार्बन का निकल के आता है, ठीक है। तो पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, कार्बन की चतुसंयोजकता, कार्बन की चतुसंयोजकता। आप दसवीं पढ़ के आए हो और दसवीं में आपने सबने ये बात सुन रखी है कि जो कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, चार। यानी जो कार्बन बंध बनाता है वो कितने बंध बनाता है, कार्बन, कार्बन चार बंध बनाता है। तो कार्बन के चार बंधों को, इसकी चार संयोजकता को समझाने के लिए कितने सिद्धांत आए थे, आपके दो सिद्धांत आए थे। कौन कौन से सिद्धांत आए थे? सबसे पहला आपका आया था कैकुले सिद्धांत। सबसे पहले आपका आया कौन सा, कैकुले सिद्धांत। और इसके बाद आया आपका कौन सा, वॉन्टहॉफ, वॉन्टहॉफ तथा लीबेल सिद्धांत, वॉन्टहॉफ तथा लीबेल सिद्धांत, ठीक है ना। तो देखो, पहले हम बात करेंगे कैकुले सिद्धांत की, फिर हम बात करेंगे किसकी, वॉन्टहॉफ और लीबेल सिद्धांत की, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो कैकुले सिद्धांत। तो देखो, कैकुले सिद्धांत में क्या होता है, इसने जो पहला, पहली जो बात बताई वो क्या, इसने बताई कि कार्बन की संयोजकता चार होती है। पहली बात इसने क्या कही, कार्बन की संयोजकता चार होती है, ठीक है। तो ये बात से क्या मतलब निकलेगा, इस बात से मतलब निकलेगा कि जो कार्बन है वो अधिकतम कितने बंध बना सकता है, चार बंध बना सकता है। और इसके बाद दूसरी इसने बात क्या बोली कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से संवृत श्रृंखला, संवृत श्रृंखला व विवृत श्रृंखला बना सकता है, विवृत श्रृंखला बना सकता है। अब यहां जो दो ये शब्द आए हैं, संवृत और विवृत, इनको समझो। संवृत का मतलब क्या होता है, चक्रीय संरचना, ठीक है। संवृत का मतलब क्या है, बंद संरचना, चक्रीय संरचना। और विवृत का जो अर्थ है वो होता है खुली संरचना। विवृत का मतलब क्या है,
खुली संरचना। यानी इस दूसरे पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बन परमाणु है वो अन्य कार्बन परमाणु से एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध और त्रिबंध तो बनाएगा, उसकी बात तो हम आगे करेंगे, कि वो खुली संरचना भी बना सकता है और बंध चक्रीय संरचना भी बना सकता है, ठीक है। और अगला पॉइंट जो मैंने अभी अभी आपको बोला उसको भी लिख लेते हैं कि कार्बन अन्य परमाणुओं से एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध द्वारा जुड़ सकता है। अगली बात क्या बताई कैकुले ने कि जो कार्बन परमाणु है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो द्विबंध भी बना सकता है और वो कितने बंध बना सकता है, त्रिबंध भी बना सकता है। तो अब हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एकल बंध के एग्जांपल देखेंगे हम, फिर हम द्विबंध के एग्जांपल देखेंगे और फिर इसके बाद हम त्रिबंध के एग्जांपल देखेंगे। देखो फिर इसके बाद हम बात करेंगे ये दूसरी वाली थ्योरी की, वॉन्ट ऑफ लीबेल की। देखना भाई, ध्यान देना एक एक एग्जांपल को, ठीक है। देखो पहले देखो एकल बंध वाले समूह, एग्जांपल नंबर एक, एकल बंध वाले समूह यानी जिनमें कार्बन परमाणु कितना बंध बना रहा हो, एक। जैसे पहला हो गया आपका मीथेन, या इसको आपने मैथेन गैस भी बोला है, ठीक है, पढ़ा है ना यूपीएससी, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, आगे बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो एक कार्बन है तो नाम क्या हो गया, मैथेन। और फिर एक और एग्जांपल देख लो, जब एक कार्बन से सभी CH3 ग्रुप जुड़े हों तो इसका नाम क्या होता है, नियोपेंटेन। फिर इसके बाद ये क्या हो गया मुझे बताओ, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम आप दोगे आइसोब्यूटेन। ये क्या हो गया आपका, आइसोब्यूटेन हो गया, ठीक है। और चलो एक और अलग एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, CHCl3। और CHCl3 किसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को। तो यहां देख लो, यहां हरेक कार्बन सभी से किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये सभी एग्जांपल कौन से हो गए, वो एग्जांपल हो गए जिनमें जो कार्बन है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एग्जांपल नंबर दो की, और एग्जांपल दो में हम किसके बात करेंगे कि जो द्विबंध वाले समूह है, द्विबंध वाले समूह जिनमें कार्बन कितना बंध बना रहा होगा, भाई डबल बॉन्ड बना रहा होगा, थोड़ा मिटा देते हैं और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं जो कितने बंध बना रहे हैं, भाई द्विबंध बना रहे हैं, ठीक है। देखना पहला एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ऊपर H, तो ये हो गया CHO, और CHO समूह को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और कहीं पर भी आपको ये CH3CO ग्रुप दिखे ना तो एक बात समझ जाना, आप वहां पर क्या लग रहा होगा, एसिड लग रहा होगा, तो इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड। दूसरा देखो, दूसरा इसी तरीके से CH3C डबल बॉन्ड O ऊपर CH3, तो मैंने वही बता दिया CH3CO कहीं दिखे तो क्या होगा, वो एसिड लगेगा। और C डबल बॉन्ड O होता है, वो होता है आपका कीटोन समूह, तो इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। एसिड आ गया और कीटोन का क्या लग जाएगा, ऑन, तो नाम हो जाएगा इसका एसीटोन, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, SCOOH, तो ये हो गया आपका फॉर्मिक अम्ल, जो किससे मिलता है, लाल चींटियों द्वारा मिलता है। तो यहां पर देखो, आप सबके पास कार्बन के पास क्या है, एक डबल बॉन्ड, कार्बन के पास क्या है भाई, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कौन से एग्जांपल हो गए जिससे कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखो, जिसमें कार्बन क्या बना रहा हो, त्रिबंध, तो अगला हम लिखेंगे त्रिबंध वाले समूह। तो त्रिबंध वाले समूह में कार्बन कितने बंध बना रहा होगा, तीन। तो पहला देखो, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इसका नाम क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, और CN को क्या बोलते हैं, CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या दे सकते हो, मैथिल साइनाइड, यहां CH3 समूह को क्या बोलेंगे हम, मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल साइनाइड। एक और एग्जांपल देखो इसको, बढ़िया,
एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और इसको क्या बोलते हैं हम आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखते ही क्या आ जाता है आयन, तो आईयूपीएसी नाम क्या है इसका एथाइन, लेकिन इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है इसका एसिटिलीन, सामान्य नाम क्या है इसका एसिटिलीन, ठीक है, और इसको हमने क्या बोला था मैथिल साइनाइड, ठीक है। तो हमने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, वो एग्जाम्पल पढ़े हमने जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे थे, वो भी पढ़ लिए हमने जिसमें डबल बॉन्ड बन रहे थे, और वो भी पढ़ लिए जिनमें क्या बन रहे थे ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन सब में कार्बन की संयोजकता कितनी है चार, किसी को भी आप चेक कर लो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना रहा है चार, इधर इसको चेक करो तो देखो ये तीन बन रहे हैं और एक ये बन गया चार, इसमें भी चेक कर लो देखो ये रहा कार्बन दो इधर रहे दो और एक तीन और एक चार, तो यहां भी कितने बॉन्ड बने चार, इधर भी चेक कर लो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है एक दो तीन चार, तो हर जगह कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है चार, तो इसका मतलब ये चीज कैकुले सिद्धांत ने क्लियर कर दी कि जो कार्बन है उसकी अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है चार, ठीक है। सारे एग्जांपल देख लिए, अब एक एग्जांपल और देख लो आप, डबल या मैं बोलूं द्विबंध वाले यौगिक, यानी जिसमें जो कार्बन है वो कितने बंध बना रहा हो डबल बना रहा हो, डबल द्विबंध बना रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, तो CO2 में देख लो कार्बन दो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया द्विबंध वाले यौगिकों का। इसी तरीके से एक एग्जांपल एलीन, यहां भी कौन से बॉन्ड बन रहे हैं भाई दो डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, तो देखो जब आपने सी डबल बॉन्ड और ये जब दोनों बॉन्ड सिंगल थे तो इसको क्या बोला था आपने कीटोन बोला था, लेकिन अब यहां पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में आपको पता है क्या लगता है इन, तो इसका नाम कीटोन की बजाय क्या हो जाएगा कीटीन, नाम क्या हो जाएगा इसका कीटीन, ठीक है। तो एक बार आपने ये सारे एग्जाम्पल देख लिए, आप इनको कॉपी में लिखो फिर आगे की बात करते हैं। देखो अभी समझेंगे सारी स्ट्रक्चर समझेंगे, अभी आप है ना बस जनरल सा थोड़ा थोड़ा सा याद रखो, ठीक है, कि ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से, बाकी सबको सीखेंगे कैसे नाम बनाने हैं, कैसे नाम इनके लिखने हैं, ये आइसोब्यूटेन नियोबिन सब बताऊंगा मैं आपको, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, स्टार्टिंग है, आराम से चलते रहो। जब हम आईयूपीएसी प्रणाली, रूढ़ पद्धति प्रणाली, व्युत्पन्न प्रणाली, सारी नामकरण की जब हम प्रणाली पढ़ेंगे ना, तो एक एक अक्षर को आप एक एक कंपाउंड को देखते ही आप उसका नाम बता दोगे कि हाँ भाई ये कंपाउंड है तो इसका नाम ये होगा, इस योगिक का नाम ये होगा, तो डरने वाली बात नहीं है, बने रहो सारी चीजें आएंगी आपको समझ में। चलो आगे की हेडिंग की पर चलते हैं। दूसरी जो हमारी थ्योरी थी वो कौन सी थी, वॉन्ट हॉफ तथा लीबेल का सिद्धांत, ठीक है, वॉन्ट हॉफ तथा लीबेल का सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो भाई आपका कार्बन है और अगर वो चार तरीके के बंध बना रहा है, सॉरी चार बंध अगर उसकी संयोजकता चार है तो वो तीन तरीके की स्ट्रक्चर बना सकता है, कार्बन की जो है वो तीन तरीके की संरचना संभव हो सकती है। पहली संरचना तो उसकी कैसी होगी, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। दूसरी उसकी संरचना कैसी हो सकती है, वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। और तीसरी उन्होंने पॉसिबल स्ट्रक्चर बताई थी कि ये कुछ आपका इस तरीके से चतुष्फलकीय रूप में भी रह सकता है, चतुष्फलकीय, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया वॉन्ट ऑफ लीबेल ने कि अगर कार्बन चार संयोजकता रख रहा है तो कार्बन चार तीन तरीके की स्ट्रक्चर मैक्सिमम बना सकता है, कि या तो कार्बन वर्गाकार समतलीय संरचना में हो सकता है, या वर्गाकार पिरामिडीय संरचना में हो सकता है, या चतुष्फलकीय संरचना में हो सकता है। परंतु जब प्रायोगिक रूप से चेक किया गया, तो जब प्रायोगिक रूप से चेक किया तो क्या पाया गया कि जो कार्बन है उसकी कौन सी संरचना पाई जाती है, चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। तो इसका मतलब कार्बन की वर्गाकार समतलीय संरचना भी नहीं है और वर्गाकार पिरामिडीय भी संरचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी संरचना पाई जाती है, चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। पहले तो ये वर्गाकार समतलीय को एक बार समझ लो, फिर वर्गाकार पिरामिडीय को भी समझ लेना, और फिर चतुष्फलकीय को भी समझ लेना, ठीक है। देखो क्यों होती है चतुष्फलकीय ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो होता क्या है वर्गाकार समतलीय में, ये आपका रहा वर्ग, ये वर्ग रहा आपका, और इसके बीचों बीच में क्या रखा है कार्बन, और एक बंध दो बंध
तीन बंद और इधर से ये चार बंद, ठीक है। ये तो हो गई वर्गाकार समतलीय। लेकिन अब ये जो बीच में कार्बन था उसको उठा के ऐसे ऊपर ले आओ, तो यहां जो यहां तो नीचे तो वर्ग ही बन रहा है, नीचे तो क्या बन रहा है वर्ग ही, ऊपर कार्बन ले आए, एक बॉन्ड दो बॉन्ड ये तीसरा बंद और यहां से यहां चौथा बंद, तो ये हो गई आपकी कौन सी संरचना, वर्ग पिरामिड है। चतुष्फलकीय संरचना कैसी होती है देखो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुको। देखो मार्कर्स को देखना, चतुष्फलकीय संरचना, एक बंद ये मेरी मुट्ठी तो समझ लो ये कार्बन है, ठीक है, ये एक बंद, ये दूसरा बंद, ये आपके सामने तीसरा बंद और ये मेरे पीछे चौथा बंद, ठीक है। ये संरचना होती है चतुष्फलकीय। अब इसको देखो मैं ऐसे बना देता हूं, आपको सारे सारे बॉन्ड दिखेंगे, दिख रहा है आपको ये मार्कर भी, ये व्हाइटनर भी, ठीक है। तो ये संरचना आपकी कौन सी होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम में वैसे बताऊं तो देखो वैसे समझना आप इसको, तो यहां से तो ये दो बॉन्ड तो इस तरीके से, एक वी इस तरीके से और एक वी इस तरीके से, एक आपके सामने एक मेरे सामने, दो ये और दो ये, कुछ इस तरीके से ये संरचना, ये क्या होती है आपकी, चतुष्फलकीय संरचना होती है। अब देखो चतुष्फलकीय संरचना ही क्यों स्थाई है, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो अधिकतम दूरी पर रहते हैं एक दूसरे से, तो अधिकतम दूरी पर रहने की वजह से उनके बीच में क्या है, प्रतिकर्षण कम से कम लगता है, तो प्रतिकर्षण कम लगेगा तो वो कैसे होंगे, स्थाई होंगे। इस वजह से प्रायोगिक तौर पर कौन सी संरचना सबसे उपयुक्त मानी गई है, चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है, समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी अभी जब हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है कार्बन से, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड भी बना लेता है और कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, लेकिन बशर्ते कार्बन कार्बन से चार बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। भाई कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ये बात आपने पढ़ी है, ये वाला कार्बन भी चार बॉन्ड बनाता है, ये वाला कार्बन भी चार बॉन्ड बनाता है, तो ये आपस में ही चार बॉन्ड क्यों नहीं बना लेते, ये मैक्सिमम तीन बॉन्ड तक ही क्यों रुक जाते हैं, इसकी कहानी बताओ। सोचो एक बार, सोच लिया, देखो अब इसका रीजन देखो, ठीक है, बड़ा सिंपल सा रीजन है, स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन की कैसी संरचना होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। एक बार दोबारा से समझ लो, चतुष्फलकीय का मतलब एक वी तो आपने ऊपर बनानी है और एक वी कुछ तिरछी सी आपको ऐसे नीचे बनानी है, ये संरचना कौन सी होती है आपकी, चतुष्फलकीय संरचना होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखो ये चतुष्फलकीय संरचना है, ठीक है, समझना इस बात को बड़े ध्यान से, ठीक है। तो यहां देखो मैक्सिमम आपको ये तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, एक दो तीन, और इसी तरीके से अगर यहां दूसरा कार्बन है तो उसकी भी कौन सी संरचना होगी, चतुष्फलकीय संरचना होगी। तो वो बंद बनाने के लिए देखो उसको एक ये कक्षक मिल जाएगी, ये लोब मिल जाएगी एक उसको, एक उसको ये पाली भी मिल जाएगी बंद बनाने के लिए, और उसको ये वाली पाली भी बंद बनाने के लिए मिल जाएंगी। यानी मैक्सिमम उसको कितनी लोब मिल सकती है, एक दो तीन, बंद बनाने के लिए कितनी मिल सकती है, एक दो तीन। ये चौथी तो देखो दूसरी डायरेक्शन में गई ना, तो ये बंद बनाने के लिए ये वाली लोब पॉसिबल नहीं हो पाती। ऐसा थोड़ी होगा कि ये यहां से घूम के ऐसे आ जाएगी और चार बंद बन जाएंगे, फिर तो संरचना ही खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब कार्बन की तीन लोब कैसी होती हैं, सूटेबल होती हैं दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए। इस वजह से कार्बन कार्बन से मैक्सिमम कितने बंद बना सकता है, केवल तीन ही बना सकता है, चौथा बंद नहीं बना सकता है, यह बात याद रखना, ठीक है। तो इस वॉन्ड ऑफ लीवेल सिद्धांत में सिर्फ इसी की बात करेंगे कि तीन तरीके की स्ट्रक्चर हो सकती है, परंतु प्रायोगिक तौर पर चतुष्फलकीय संरचना सबसे ज्यादा स्थायी है, ठीक है। इसको बनाओ फिर आगे की बात करते हैं अपन। भाई अब हमने कैकुले और हमने वॉन्ट ऑफ लीबेल सिद्धांत पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक है, कि कार्बनिक यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया है, एक एक करके बारीक बारीकी से हम समझते हैं। देखना भाई, कार्बनिक यौगिक तो सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिकों को बांटा वो कितने भागों में बांटा बच्चों, दो भागों में बांटा, ठीक है। पहले का नाम क्या दिया, पहले का नाम दिया विव्रत श्रृंखला। दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, खुली श्रृंखला। और क्या बोल सकते हैं, चक्रीय संरचना या चक्रीय यौगिक, ठीक है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, विव्रत श्रृंखला वाले यौगिक। और क्या नाम दे सकते हैं, और नाम दे सकते हैं एलिफैटिक यौगिक, ठीक है। तो कितने नाम हो गए, चार नाम हो गए, सभी का मतलब क्या है, एक। चाहे आप विव्रत श्रृंखला बोलो, इसका भी मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक, अचक्रीय, सॉरी चक्रीय नहीं, अचक्रीय, आगे क्या वर्ड यूज करोगे, अचक्रीय।
तो अचक्रीय का भी मतलब क्या है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और एलिफैटिक, एलिफैटिक का भी मतलब क्या है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं तो ये हो गया इसका एग्जांपल CH3CH2CH3। क्या है इसका नाम भाई, तीन कार्बन है और तीन कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, नाम क्या हो गया, प्रोपीन। तो ठीक है, ये सारे एग्जांपल आपके किसके हो गए, खुली श्रृंखला वाले के। खुली श्रृंखला में आपको पहचान में बता दूं कि प्रारंभिक कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, जो पहला कार्बन है वो अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो वो किसका एग्जांपल होगा, खुली श्रृंखला वाले यौगिक का। अब दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका संवृत श्रृंखला वाले यौगिक, और संवृत श्रृंखला को आप बंद श्रृंखला भी बोल सकते हो, और बंद श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, चक्रीय संरचना वाले यौगिक। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, और इसको हम क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो आपके समवृत्त श्रृंखला थे इनको पुनः कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, पहले वाले का नाम है समचक्रीय और दूसरे वाले का नाम है विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। ठीक है, समचक्रीय और विषम चक्रीय, इंग्लिश भी मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हेटरोसाइक्लिक। ठीक है, देखो समचक्रीय का मतलब क्या है, वे चक्रीय यौगिक जो केवल और केवल कार्बन से बने, केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित, हाइड्रोजन भी होगा लेकिन मेन नंबर बात किसकी करेंगे, कार्बन की, केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित, कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित, और यहां पर क्या आएगा, कार्बन के अलावा चक्रीय वलय में फ्लोरीन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, विषम परमाणु, इन तीनों को क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि कार्बन के अलावा जो चक्रीय संरचना है उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ सकता है। देखो अब इस समचक्रीय को पुनः दो भागों में बांट दिया, अच्छा इसका एक नाम और है, इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, कार्बोचक्रीय या कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी इसी का नाम है। समचक्रीय को दोबारा दो भागों में बांट दिया, पहले का नाम रखा एलिसाइक्लिक और दूसरे का नाम रखा एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, समझो भाई, एलिसाइक्लिक कैसे कंपाउंड होते हैं, एलिसाइक्लिक वे यौगिक होते हैं जो गुण धर्मों में किसके समान होते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के समान होते हैं, यानी वे चक्रीय यौगिक जो विवृत श्रृंखला वाले यौगिकों के समान हो, विवृत श्रृंखला यौगिकों के समान, यौगिकों के समान गुण धर्म हो, वो क्या कहलाते हैं भाई, एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है इनकी अपनी विशेष सुगंध होती है। ठीक है, एरोमा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही क्या है, सुगंध से, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सुगंधित पदार्थ, इनको क्या बोलेंगे, सुगंधित, सुगंधित पदार्थ। ठीक है, एरोमा, एरोमा का अर्थ ही क्या होता है, सुगंध से होता है। अब इनमें सामान्यतः आपको क्या मिलेगी, सामान्यतः बेंजीन वलय पाई जाएगी, बेंजीन वलय पाई जाएगी, सामान्यतः बात कर रहा हूं। एक बात और मैं बताऊंगा, हकल नियम की पालना होगी, हकल नियम की पालना होगी। अभी हकल नियम क्या है सब कुछ बताऊंगा, आगे आने वाला है, अभी तो बस अपन जनरली क्या पढ़ रहे हैं, एक चार्ट पढ़ रहे हैं, अभी तो मतलब अपन बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल उसकी जड़ तक जाएंगे हर एक टॉपिक की, अभी सिर्फ आप इतना सा समझ लो कि कोई हकल नियम होता है जिसकी पालना कौन करते हैं, एरोमेटिक यौगिक करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कैसे होते हैं। ठीक है, चलो इसके भी एग्जांपल आपको बता देता हूं, देखना पहले एलिसाइक्लिक देखना, ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक। ठीक है, जो चक्रीय तो हैं लेकिन एरोमेटिक तो नहीं है, लेकिन गुणों में किसके समान है, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के समान। एरोमेटिक में मैंने क्या आपको बताया कि सामान्यतः बेंजीन वाले आएगी, तो ये लो बेंजीन वाले आ गई, ये बेंजीन है और इसके नीचे जो कंपाउंड आपको दिख रहा है उसका नाम क्या है, नेफ्थलीन। तो ये तो हो गया आपका बेंजीन और ये हो गया आपका नेफ्थलीन। ठीक है, नाम है इसका। और अगर इसी तरीके से तीन बेंजीन की वाले जुड़ जाए तो वहां बनेगा एंथ्रासीन। ठीक है,
विषम चक्रीय के एग्जाम्पल देखो यहां बता देता हूं, क्या बताया मैंने कि चक्रीय वलय में कौन आएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आएगा। याद रहे चक्रीय वलय के अंदर ही आना चाहिए, अगर बाहर आएगा तो वो विषम चक्रीय नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो एक एग्जाम्पल देखो, एक सेकेंड देखो, ये हो गया आपका थायोफीन, इसको क्या बोलते हैं थायोफीन, ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूरेन, और इसी तरीके से एक और मैं आपको बताता हूं, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका पायरोल, इसको हिंदी में पिरोल भी बोलते हैं, पिरोल, ठीक है। तो ये हो गए आपके देख लो विषम चक्रीय, इसमें देख लो जो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है वो कहां आ रहे हैं, बिल्कुल फ्लोरीन नहीं सॉरी सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है थोड़ा सही कर लेना, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कभी कभी हो जाता है लिखने में, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये क्या है आपके विषम यौगिक, ठीक है। तो जब सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाए आपके किसी वलय के अंदर तब उनको हम क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, विषम चक्रीय यौगिकों के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो एक बार डायग्राम को बनाओ फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो तो क्या याद रखोगे, विषम चक्रीय यौगिक कौन कौन से होते हैं, थायोफीन, फ्यूरेन, पिरोल, एक दो और हैं, पिरिडीन हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। आगे जब हम डिटेल से इनकी हेडिंग लगा के पढ़ेंगे तब और इनको देख लेंगे। और विषम यौगिक कौन कौन से होते हैं, विषम परमाणु, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब जो अगली हेडिंग है हमारी वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है समझना, ठीक है। देखो मैं सिर्फ अभी आपको क्या बता देता हूं कौन कौन सी पद्धतियां हैं, फिर हम एक एक से उनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की तीन पद्धतियां आई, कौन कौन सी आई, नंबर एक पहली पद्धति आई कौन सी आपकी, रूड पद्धति, ठीक है। दूसरी पद्धति कौन सी आई आपकी, व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। और तीसरी पद्धति आपकी कौन सी आई, आयूपीएसी पद्धति, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का जब नामकरण किया गया तो इसकी कितनी पद्धतियां प्रचलित थी, तीन पद्धतियां। अब जिनमें से अगर मैं रूढ़ पद्धति की बात करूं तो ये रूढ़ पद्धति सबसे पुरानी यानी प्राचीनतम अगर कोई पद्धति थी नामकरण की तो वो कौन सी थी, रूढ़ पद्धति। अब इनका नामकरण किसके आधार पर किया जाता था, स्रोत के आधार पर, स्थान के आधार पर, व्यक्ति विशेष के आधार पर, ठीक है। कोई कंपाउंड किसी जगह मिला, कोई यौगिक मान के चलो दलदल में मिला तो उसका दलदल के ऊपर ही उसका नाम रख दिया, कोई किसी जंतु से मिल गया या जंतु को छोड़ो कहीं से भी मिल गया, मतलब जहां से मिला उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जैसे मान के चलो फॉर्मिक अम्ल चींटियों से मिला तो उसके ऊपर उसका कुछ नाम रख दिया, ठीक है। कोई चीज आपको पेड़ पौधों से मिल रही है तो उसके ऊपर उसका नाम रख दिया। कहने का मतलब जहां से स्रोत आपको मिला, जिस स्रोत से, जिस स्थान से, जिस व्यक्ति विशेष ने उसको खोजा उनके ऊपर इनका नाम रख दिया गया। व्युत्पन्न पद्धति में क्या है इसको मैं बताऊं तो ये भाई आपकी गुजरात पद्धति है। अब ये मत समझ लेना कि गुजरात वालों ने इसको दे दिया गुजरात पद्धति है, ठीक है, समझो इसका मतलब समझो। जैसे आपकी जनकीय पीढ़ी होती है ना तो मम्मी पापा के नाम से बच्चे जाने जाते हैं, तो वही हाल इसका है। इसमें क्या रखा गया, इसमें आपकी एक जनकों का एक नाम दे दिया गया, मतलब एक समझो कि एक तरीके से जनकीय पीढ़ी का नाम दे दिया गया कि भाई इनसे जो भी पदार्थ आपके बनेंगे तो इनका नाम आपको लगाना पड़ेगा। जैसे गुजरात में क्या होता है, गुजरात में क्या होता है भाई, आपको देखो आपने देखा होगा, आपने मोदी जी का नाम सुना है तो मोदी जी का पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो दामोदर उनके पिताजी का नाम है, ठीक है, लेकिन बच्चे के साथ में पिताजी का नाम जोड़ा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इसी का मतलब जैसे गुजरात में इस तरीके का चलता है वही काम इस व्युत्पन्न पद्धति में चलेगा, यानी जब भी आप यौगिक का नाम लिखोगे तो उसमें जनकीय जो सूत्र है वो जनक यौगिक का सूत्र का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। और आयूपीएसी पद्धति जो सबसे आधुनिक वह जो प्रचलित पद्धति है वो कौन सी है भाई,
आईयूपीएसी पद्धति जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलन में है, तो इसी पद्धति पर हमको आगे जाके पूरा फोकस करना है। एक एक चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जनरली बता दिया रूढ़ पद्धति में क्या होता है, व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, आईयूपीएसी में हम आगे सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को बस यहीं तक खत्म करते हैं, तो जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे रूढ़ पद्धति से, ये तो फटाफट कंप्लीट हो जाएंगी, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, आईयूपीएसी पद्धति को अपन पूरा डिटेल से लेके चलेंगे। ठीक है ना, एक एक कंपाउंड को आप पहचान जाओगे कि हाँ भाई ये कंपाउंड कैसे है, क्या इसका नाम होगा। अभी सर आप बता रहे थे इतने नाम, हमारी तो समझ में नहीं आया, क्या रटना पड़ेगा, ये सारी बातें आपको सारी समझाने वाला हूं। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।